Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture, I am going to discuss a work of G.M. Kersey and the work is Foe. This work is a rewriting of Robinson Crusoe, and Robinson Crusoe was written by Daniel Defoe, and this work Foe was published in 1986, and this is my third video in which I am going to discuss G.M. Kersey's work. Before I have discussed The Life and Times of Michael Kay and Disgrace, these two novels won the Booker Prize for G.M. Kersey. So today we will discuss the summary of the novel, because this work is very important. Why? Because this work is rewriting of Robinson Crusoe. But friends, before starting the video, I would like to request you that if till now you did not subscribe my channel, please like and subscribe my channel and share your friends also who are going to prepare for UGC NET English Literature. So, आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है. तो फ्रेंड्स, इस नॉवेल की स्टार्टिंग होती है सुसन बार्टन से. सुसन बार्टन जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है, और यहाँ पे वो नॉवेल के स्टार्टिंग में अपनी डॉटर को ढूंढने के लिए घर से निकली है. उसकी डॉटर जो कि मिसिंग है. अब यहाँ पे जब ये अपनी डॉटर को ढूंढने जा रही है, तो ये शिप से जाती है, और उसको ये पता है कि उसकी डॉटर को न्यू वर्ल्ड की तरफ ले जाया गया है. तो ये अपनी डॉटर को ढूंढने जाती है और एक शिप पे बोर्ड होती है. उसके बाद वो पहुंचती है ब्राजील. ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है बहिया. ये इस जगह पे पहुंचती है और यहाँ पे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती है. अप्स एंड डाउन्स की लाइफ में बहुत आते हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाती है. और ये जिस शिप में होती है, उस शिप के में म्यूटनी हो जाती है, और उसके क्रू मेंबर्स इसके कैप्टन को मार देते हैं. और कैप्टन को मारने के बाद ये लोग क्या करते हैं, सुसन बार्टन को एक बोट में बिठा देते हैं, और उसी पे उस कैप्टन की डेड बॉडी भी रख देते हैं. अब यहाँ पे सुसन समझ नहीं पाती है कि मेरे साथ ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे इस शिप से बाहर निकाल के इन्होंने क्यों फेंक दिया, मुझे इस बोट में इन्होंने क्यों बिठा दिया. लेकिन ये फिर भी वहां से आती है, और ये क्या होता है कि रास्ते में इसको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ. और जब इसको होश आता है, तो ये अपने आप को एक इनलैंड में पाती है. एक आइलैंड में आने के बाद वो दूर से देखती है कि उसके पास एक ब्लैक मैन जो कि बेयर फूटेड होता है, वो मैन आया हुआ है और इससे बात करने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि वो जो मैन होता है वो म्यूटेड होता है, वो बोल नहीं पाता. तो वो कौन होता है, वो होता है फ्राइडे. फ्राइडे यहाँ पे आता है और इसको ले जाता है अपने ओनर क्रूसो के पास. तो सुसन यहाँ पे जाती है और इन लोगों के साथ यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देती है. लेकिन यहाँ पे क्रूसो को खुद भी नहीं पता कि उसको यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है. लेकिन यहाँ पे सुसन अपने आप को इन दोनों के साथ बहुत ही कंफर्ट फील करती है. वो देखती है कि इस आइलैंड में सर्वाइव करने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं. तो वो भी उनके जैसे ही वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देती है. लेकिन वो अपनी मर्जी से वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसको जो भी काम करती है, उस काम करने से पहले उसको क्रूसो से पूछना पड़ता है. और इसको क्रूसो यहाँ पे ये भी सजेशन देता है कि तुम इधर उधर मत घूमना, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे फिजिकली तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो तुम यहाँ वहाँ मत घूमना. और यहाँ पे वो देखती है कि क्रूसो के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो कितने टाइम से रह रहा है, वो क्या करता है, क्या खाता पीता है, वो उसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है. तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, इसके साथ आर्गुमेंट हो जाता है क्रूसो के साथ. और वो देखती है कि क्रूसो किस तरीके से कुछ ऐसे अनलॉजिकल काम करता है जिसका कोई भी मतलब नहीं है. मीन्स उसने पूरे आइलैंड पे जहाँ पे वो रहता है, उसने वहाँ पे हर जगह रूफ बना के रखी है, और डेली सुबह उठने के बाद सुबह से शाम तक वो उस रूफ को रिपेयर करता रहता है, जबकि उस चीज का कोई भी मतलब नहीं होता है. जब सुसन उस आइलैंड पे रह रही होती है, तो क्रूसो को वहाँ पे फीवर आ जाता है. वो फीवर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, रिकवरी कर लेता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको फिर से फीवर आ जाता है. अब क्रूसो उतना ज्यादा
अच्छा फील नहीं कर रहा है जितना कि पहले फील करता था। अब यहाँ पे एक शिप आता है, मीन्स रेस्क्यू टीम आती है, तो ये लोग इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें कि कौन कौन होता है, क्रूशो होता है, फ्राइडे और सुसन होती है। ये तीनों लोग उस शिप से जा रहे होते हैं और क्रूसो जो कि पहले से ही अनफिट है, तो उसकी रास्ते में डेथ हो जाती है क्रूसो की। अब जो फ्राइडे है उसकी पूरी जिम्मेदारी सुसन के ऊपर आ जाती है, तो कोई बात नहीं, सुसन यहाँ पे इसको लेके अपने साथ इंग्लैंड जाती है, इसको बहुत सारी चीजें सिखाती है कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे गार्डनिंग करते हैं, उसको बहुत सारी चीजें सिखाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको लगता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, इसको सिखाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। शायद इसको ये लगता होगा फ्राइडे को कि मैं इसके सामने कितना बोलती रहती हूँ कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पे फ्राइडे ये सब चीजें समझता है। लेकिन यहाँ पे इसको कुछ टाइम के बाद सुसन को लगता है कि शायद मैं ये रबिस काइंड की चीजें कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सोचती है कि मैंने जो आइलैंड पे एडवेंचरस किए हैं, क्यों ना मैं उसकी एक राइटिंग करवा लूं, मैं एक फिक्शनलाइज वर्क लिखवा लूं, तो जिससे वो स्टोरी मेरी फेमस हो जाए। तो वो जाती है और मिलती है राइटर से, डेनियल फो से। डेनियल फो से मिलती है, उनको बहुत कन्विंस करती है कि आप मेरे ये राइटिंग लिख दो और मेरी राइटिंग को क्या करो, पब्लिश करा दो। लेकिन यहाँ पे डेनियल फो इसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते कि नहीं, मुझे उस क्रूसो के बारे में और फ्राइडे के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे ब्राजील की उस जगह के बारे में बताओ जहां पे तुमने एडवेंचरस किया था, उसके बारे में बताओ, मैं उसके बारे में लिखना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे सुसन का जो मेन इंटरेस्ट था वो था क्रूसो पे और फ्राइडे के ऊपर, कि वो चाहती थी कि वो इनके ऊपर कुछ लिखे, तो कई लेटर्स लिख के भेजती है, लेकिन डेनियल फो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। तो ये डिसाइड करती है कि क्यों ना मैं उनके घर ही जाके रहने लगूं। तो ये उसके घर जाती है सुसन फ्राइडे को लेके और उनके घर पे जाके रहने लगती है। तो वहां पे एक छोटी सी लड़की आती है और वो बताती है कि उसका नाम भी सुसन बार्टन है। तो कहती है, हाउ इज इट पॉसिबल, तो मेरी डॉटर तो नहीं हो, ना ही तुम्हारा और मेरा कोई रिजेम्बलेंस है, मैं कैसे मानूं कि तुम मेरी बेटी हो, तो तुम्हारे घर पे कौन कौन है, तुम्हें किसने ब्रॉट अप किया है। तो अपनी नर्स का वो नेम बताती है कि मेरी नर्स का नेम है एमी, मुझे एमी ने पाला पोषा है यहाँ पे। तो सुसन बार्टन उस छोटी सी लड़की को एक किस करती है और वो लड़की वहां से चली जाती है। लेकिन सुसन यहाँ पे ये मानने को तैयार नहीं होती कि ये एग्जैक्टली मेरी ही डॉटर है। अब यहाँ पे जो सुसन है उसको फ्राइडे एक बर्डन लगने लगा है कि मैं कैसे इसको अपने साथ हमेशा रखूं, क्योंकि इंग्लैंड की जो सोसाइटी है उसको फ्राइडे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो सोचती है कि मैं जाऊं और इसको वापस उसी आइलैंड पे छोड़ आऊं। ये कोशिश करती है, जाती भी है, लेकिन फिर कुछ ये सोचती है, इसको लगता है कि नहीं, मुझे उसको नहीं छोड़ के आना चाहिए, और ये वापस आ जाती है फ्राइडे को फिर से लेके। अब ये डेनियल फो से मिलती है तो डेनियल फो कहते हैं कि तुम मुझे से ब्राजील की उस जगह बढ़िया जगह के बारे में बताओ। तो ये बहुत मुश्किलों से कन्वेंस करती है डेनियल फो को अपनी राइटिंग कंप्लीट करने के लिए और उसको मिलवाती है यहाँ पे फ्राइडे से। और फ्राइडे की टंग दिखाती है जो कि एग्जैक्टली कटी हुई थी, इसी वजह से जो फ्राइडे था वो म्यूटेड था। तो वो ये सब कोशिश करना चाहती थी कि उस राइटिंग के थ्रू ये पता चल जाए कि किस तरीके से जो स्लेव होते थे वो किस तरीके से व्यवहार करते थे, किस तरीके की स्लेव की कंडीशन होती थी। तो यहाँ पे इसको एक बार ये भी डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रूसो ने इसकी जीभ काट दी हो, क्योंकि क्रूसो इसका ओनर था। लेकिन यहाँ पे फ्राइडे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता और एट लास्ट यहाँ पे जो डेनियल फो थे वो इसकी स्टोरी लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वो फ्राइडे से मिलते हैं और फ्राइडे की कंडीशन देखते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सुसन और डेनियल फो एक साथ सोते हैं और जब वो लोग सो के उठते हैं तो ये दोनों लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे नॉवेल खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फो है
वो रिराइटिंग है रॉबिन्सन क्रूसो का, और रॉबिन्सन क्रूसो लिखा है डेनियल डेफो ने, और यहाँ पे जो राइटर है वो एग्जैक्टली डेनियल डेफो ने ही दिया है पूरा, बट इन्होंने दिया है डेनियल फो यहाँ पे। तो आपको ये चीज याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली जो स्टोरी है सुसन की स्टोरी है, अपनी बेटी जो कि उसकी मिसिंग है उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसके थ्रू वो उसी ड्यूरेशन में मिलती है क्रूसो से और फ्राइडे से। क्रूसो यहाँ पे फ्राइडे का ओनर होता है और फ्राइडे यहाँ पे म्यूटेड इंसान होता है। जो यहाँ पे डेनियल फो है वो एक राइटर है, और उसको सुसन प्रिपेयर करती है, कन्विंस करती है कि वो उसकी राइटिंग को कंप्लीट कर दे। तो फ्रेंड आई एम श्योर कि अब आपको ये नॉवल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे टू वीडियोस लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के एंड डिसग्रेस नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस भी जाके देख लें, जिससे जेएम कर्जी आपको अच्छे से तैयार हो जाए। देन आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून्ड टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।